सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर सारे देखने वालों को, तमाम पाकिस्तान को मोहम्मद यासर का सलाम। और प्रोग्राम जी बात होती है, आपको पता है कुछ खबरों के हवाले से कुछ मुख्तलिफ मौजूदात पर गुफ्तगू हो रही है। पिछले कई प्रोग्राम्स हमारा सिलसिला जारी है जी, एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है। और क्यों ना हो जी, सबसे ज़रूरी जो चीज़ जिसकी कमी हमें अपनी सोसाइटी में नज़र आती है जिस चीज़ की, वो तालीम ही है। और तालीम का जो मयार है इसके ऊपर ख़ास तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुश्किलात बहुत सारी हैं, यकीनन बहुत सारे मामलों के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम के हवाले से खास तौर पे जो गुफ्तगू हुई है उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। मैं देख रहा था बहुत सारे पैगाम जो हैं वो मौसूल हो रहे हैं। और पिछले कई प्रोग्राम्स में हमने यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात की, स्कूल्स के हवाले से बात की, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम और ये जो गवर्नमेंट स्कूल का जो सिस्टम है इसके हवाले से बात की। कानून यहाँ पर यकीनन मौजूद है, बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है पिछले कई प्रोग्राम्स में, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद क्योंकि नहीं है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि जो सिस्टम के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है इसकी एक बड़ी वजह है। तो जनाब इसके ऊपर गुफ्तगू करते रहेंगे, मसाइल की निशानदेही करते रहेंगे। देखने वाले जो हैं वो अपने पैगाम भेज भी रहे हैं और वो हमें मौसूल भी हो रहा है और वो चाहते भी हैं कि इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू की जाए। ख़ासतौर पर जो पेरेंट्स हैं उनकी जानिब से बहुत सारे हमें सवालात मौसूल हुए कि जनाब ये प्राइवेट स्कूल्स वाले जो सिलसिले इन्होंने आए दिन शुरू कर रखे हैं इस पर ज़रूर बात किया करें। तो कोशिश यही होती है कि उनको भी बुलाएँ, स्कूल के जितने ओनर्स हैं ये बड़े बड़े स्कूल, इन लोगों को बुलाएँ और इनसे बात करें क्या मुश्किल हैं, पेरेंट्स के साथ क्यों कोऑपरेट नहीं करते और क्या वजह है जिसकी वजह से मामला जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है। बहरहाल जी इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। बात हो रही थी सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया का दौर है जी, सोशल मीडिया के ऊपर ही सबसे ज़्यादा पैगाम मौसूल हो रहा है। गो के लाइव कॉल्स भी आती हैं, प्रोग्राम में शामिल होती हैं, वो भी बात करते हैं हमसे, हमारे देखने वाले पैगाम अपने इसके ज़रिए भी भेजते हैं। लेकिन सोशल मीडिया आजकल क्योंकि आपका एक्सेस आसान हो गया है सोशल मीडिया पर, और ख़ासतौर पर यूफोन के जो यूज़र्स हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी ऑफ़र है। यूफोन आप लोग जितने भी उनके यूज़र्स हैं उनके लिए लाया है 599 में एक सुपर कार्ड प्लस, जिसके लिए ज़रिए आप अनलिमिटेड जो है वो फेसबुक का एक्सेस आपको मिलेगा पूरे महीने के लिए। अनलिमिटेड फ्री एक्सेस है फेसबुक का पूरे महीने के लिए, सिर्फ 599 का जो आपका सुपर कार्ड प्लस, इसको आपने चार्ज करवाना है और ये ऑफ़र जो है आपके लिए है और बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है। इसके ज़रिए जी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर पर जो लोग एक्टिव हैं उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको अगर पूरे महीने के लिए अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो कनेक्टिविटी का इस दौर में इससे फ़ायदा उठाएं ऐसी ऑफ़र से ख़ास तौर पे, और अपने जितने भी दोस्त जा रहे हैं या ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम्स आप जितने भी टेलीविज़न चैनल्स पर देखते हैं पसंद करते हैं उसके ऊपर आप अपनी राय भेज सकते हैं। मैं ना इस मौजू के ऊपर हमारी बात होगी सोशल मीडिया की इफेक्टिवनेस के हवाले से, हम पिछले कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इस हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल जी आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ी ख़ास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले हमारे साथ कई दफ़ा प्रोग्राम्स में शरीक होती रही हैं, मुख्तलिफ़ मौजूदात पर आपसे गुफ्तगू हमारी रहती है, सियासत के ऊपर ख़ास तौर पर बात होती है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक़ भी है, एक बड़े आम अहदे के ऊपर रही भी, और लेजिस्लेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका भी आप हिस्सा रही हैं। कानून साजी होती क्या है, किस तरह होती है, ख़वातीन का किरदार क्या होता है, इस हवाले से बड़ी तफसील से उनसे गुफ्तगू हो चुकी है। आज हमारी खसूसी यहाँ पर दावत पर तशरीफ़ लाई डॉक्टर फौजिया हमीद, पाकिस्तान जो पाक सरजमीन पार्टी है उसका हिस्सा है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और सुबह के वक्त तशरीफ़ लाना आपके लिए यकीन हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि सुबह ख़वातीन को ख़ास तौर पर जब इन्वाइट करते हैं तो वो स्केड्यूल क्योंकि इतना टफ़ होता है आपकी, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले बात हो जाए थोड़ी सी इस वक्त जो मामलात जारी हैं उस हवाले से, और ये एक अच्छी बात है कि अब ख़वातीन का किरदार बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में बढ़ गया है, आपने लेजिस्लेशन में हिस्सा लिया है, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं और तमाम चीज़ों को बड़े करीब से देखा है। आपके ख्याल में इस वक्त जिस तरह की प्रोसीडिंग्स जारी हैं, जिस तरह मामलात जा रहे हैं, आपके ख्याल में ये इत्मीनान बख्श हैं? यकीनन पेचीदगियाँ होती हैं, आगाज़ में थोड़ी सी पेचीदगियाँ नज़र आई हैं, आपने पार्लियामेंट में रहते हुए तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, इस वक्त जिस तरह के मामलात जा रहे हैं आपके ख्याल में इत्मीनान बख्श हैं? सबसे पहले इस बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। हर काम करने से पहले उसकी नीयत को देखा जी, बिल्कुल दुरुस्त, कि अगर नीयत ठीक है, दुरुस्त सिंह में आप जा रहे हैं तो चीजें सब ठीक है।
हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनने के बाद से हमने एक कौम बनने का एक जो तस्वीर है वो नहीं है। बिल्कुल ठीक। हम लोग एक कौम नहीं बने हुए। पार्लियामेंट को अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में लोग जो हैं वो कौम मुल्क को या आवाम के लिए काम करने की बजाय वो अपनी जात याद के लिए काम ठीक कर रहे हैं। ठीक है। और ज़्यादातर तो उसमें यह है कि वो जो जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वो पार्टी के लीडरान को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको यह है कि अगला टेन्योर उनको मिल जाए। जब हमारी प्रायोरिटीज ये होंगी तो क्या आप समझते हैं कि हम लेजिस्लेशन जो है आवाम के लिए करेंगे? हम लेजिस्लेशन ऐसी करेंगे कि जिसमें जो एक आम शख्स है जिसने आपको वोट दिया और आप वो यहाँ आवाम तक लेके आए उसके लिए हम काम कर रहे हैं? नहीं, हम काम कर रहे हैं। हम ऐसी लेजिस्लेशन करेंगे जिसमें मेरा बिजनेस सिक्योर हो जाए? हम ऐसी लेजिस्लेशन करेंगे जिसमें मेरी फैमिली को जो है कहीं ना कहीं वो सेट हो जाए? तो इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो ये फिर मामला बड़े गलत डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फौजिया, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं, ब्रेक के बाद वापस अपनी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हमारी जारी थी, डॉक्टर फौजिया हमीद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, लेजिस्लेशन के हवाले से बात हुई। ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार पाकिस्तान की सियासत में है और इस वक्त जिस तरह के मामला चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर फौजिया, अभी आपने बताया कि आपको डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जितने भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो मैं सिर्फ अपनी सियासत करने के लिए और सियासी करियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए जो है वो फैसले लेते भी हैं और उसी हवाले से बात भी करते हैं कि कब रियल इश्यूज़ के ऊपर बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट की एक बड़ी अहमियत होती है, एक ऐसे एक सुपीरियर आप समझ लें कि एक इदारा है जो जिसकी बड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिसको बहुत ज़्यादा सेक्रेड समझा जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का बिहेवियर रहा है हमारे ख़ासतौर पर पार्लियामेंटेरियंस का, जिस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि अब तो डायरेक्टली टीवी के ऊपर दिखाई जाती हैं, लोग देख रहे होते हैं, तो उससे तो लोगों को ये ख्याल जहन में यकीनन आता है कि यहाँ पर उनके मसाइल के हवाले से बात नहीं हो रही, सिर्फ़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देना और ख़बरों का हिस्सा बनना, सोशल मीडिया पर बात उनके अगेंस्ट होना है, फेवर में होना, बस यही मेरे ख्याल में एक ऑब्जेक्टिव रह जाता है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब तक सीरियस नेचर के लोग नहीं आएंगे जी, जो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट की अहमियत क्या जी, है जी, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वहाँ से लेकर ऐवान तक आने का जो एक सिलसिला है, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आवाम चाहे कुछ भी कर रही है, कुछ भी कर रही है, जिन लोगों को आना है वो आ जाएंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी भी चैनल से आप आ जाते हैं, आप आके वहाँ इतने इम्पोर्टेंट फोरम पे आप बैठते हैं, तो आपका काम सिर्फ पाकिस्तान और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और आप ये देखें कि आप पाकिस्तान के माशरे में क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आप करते हैं तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपको ही फ़ायदा है, आपके जो जिन रिलेटिव्स के लिए आप काम कर उनको भी फ़ायदा है, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क की मईशत तरक्की करेगी, तो सब हेल्दी रहेंगे ना, सब वेल्दी रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो चीज़ें जो है ना, सोच बहुत महदूद हो गई है, और उस महदूद सोच में हमने मरकज़ बना लिया अपनी ज़ात को। इस चीज़ को, इससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम बल्कि आप अभी स्टार्ट में ही बात कर रहे थे एजुकेशन की, हमें तालीम के साथ साथ तरबियत की भी ज़रूरत है, क्योंकि तालीम तो हासिल हो जाएगी लेकिन तरबियत जो है वो उसको बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। हम मैं जब अपने टेन्योर में मैंने एजुकेशन पे एक मैंने बिल पेश किया था, और उसमें ये था कि जब आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप बच्चा एडमिट होता है, हमारे यहाँ हम हर बच्चे को नॉर्मल बच्चा एक समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि हर बच्चा जो है उसकी एक ही सोच है और उसकी जो रिसीविंग कैपेसिटी है वो भी एक जितनी है, ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि विजुअल देख के वो रिसीव करते हैं और वो उनको समझ आती है, अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ लोग सिर्फ सुन के कर रहे होते हैं, कुछ लोग सुन भी नहीं रहे होते, देख भी नहीं रहे होते, लेकिन वो
अटेंशन पे कर रहे होते हैं, आपने उनको देखना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला अटेंशन डेफिसिट का है, और वो मैंने उसमें किया था कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। किसी को बच्चे को अगर आईसाइट का प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स से बात करते हो, कहते हैं अच्छा तुम्हारा टेस्ट था इसलिए तुम ऐसे बात कर रहे हो, या तुम्हें सुनाई नहीं रहा तुम्हारा टेस्ट था, तो वो सोच ही नहीं रहे होते। पहले से अगर डिसाइड हो जाए, बच्चे को पहले से ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो शायद उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये वो चीज़ है कि जो माइलस्टोन जो आप बीज बो रहे हैं अपने कॉम के लिए, तो जब तक ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं आएगी आगे काम कुछ भी नहीं होगा। आप लेजिस्लेशन तक तो बहुत आप बाद में पहुँचते हैं। अब आप ये देखिए कि आपकी जो यूथ है उसके परसेंटेज देखिए और ख्वातीन का परसेंटेज देखिए। आप यूथ के लिए क्या कर रहे हैं और ख्वातीन के लिए क्या कर रहे हैं। यूथ के लिए हमने सिर्फ मोबाइल रख लिया है, बच्चे आते हैं उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, वो मोबाइल में बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं टैलेंट नहीं है, टैलेंट है पाकिस्तान में, जितना टैलेंट है मेरे ख्याल में वो बहुत कम ही ऐसे ममालिक होते हैं जहाँ इतना टैलेंट है, जिनके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है। लेकिन हमने उनको डायरेक्शन लेस कर दिया, हमने उनको इंगेज नहीं किया हुआ। जहाँ तक ख्वातीन का ताल्लुक है, तो वो मैन मेड सोसाइटी में वो ये समझते हैं कि खातून का काम सिर्फ किचन है और वो कोई नहीं काम कर सकती। अगर वो कहीं किसी प्रोफेशन में है तो उसको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो खातून है। अगर आप डेली वेजेस की बात करें या सैलरी की बात करें तो कोशिश होती है, खातून है तो ये कम पे काम कर लेगी। तो ये चीज़ जो है, जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी आपके माशरे में चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और ये इक्वालिटी वो तरबियत से आएगी। जब तक तालीम के साथ आपकी तरबियत नहीं होगी। दूसरा, आप जो प्राइवेट स्कूल्स की भी बात कर रहे थे, उसमें एक चीज़ ये है कि जब तक आपके गवर्नमेंट के स्कूल अपग्रेड नहीं होंगे, कोई पेरेंट चाहेगा कि वो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को, हमने गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ा, उस जमाने में सिस्टम था, अब तो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब ये है कि हम लोगों ने एक ये देख लिया है कि खूब से खूब तर की तलाश में और चमकती चीज़ को हम समझते हैं ये सोना है, और हम अपने बच्चों को कितनी फीसें दे के, देखिए ये रियासत की जिम्मेदारी, आपके आइन में ये चीज़ मौजूद है कि आपने एजुकेशन देना है, लेकिन वो कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा। वजह उसकी ये है कि जितने भी सियासतदान इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं, उन सबके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब उनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो उनको क्या कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल ठीक है, पाकिस्तान में स्कूल ठीक है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, जब तक कि आपके अपने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड नहीं किया जाएगा, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और उनको अपग्रेडेशन के लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तानी होना, पाकिस्तानी नहीं होंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ ये सोचते हैं, जैसे कि अभी एक बड़ी सिंपल सी एक बात है कि वज़ीर आज़म साहब हैं, वो आज तक अपने आप को पीटीआई का वज़ीर आज़म समझते हैं, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं समझ रहे। वो सिंध में आते हैं तो वो यहाँ से वज़ीर आला से बात नहीं करते। आपकी ज़ात मैटर नहीं करती, आपका मुल्क मैटर करते हैं, आपके सूबे मैटर करते हैं, आपको सबको साथ लेके चलना है। यहाँ सिंध के हैं वो, उनका एक अपना कहाँ उनकी वो चल रही है, लोग जो हैं कुत्तों के डॉग बाइट से मर रहे हैं। आप वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन मौजूद नहीं है। किसी और चीज़ को देखिए, अभी पिछले दिनों एड्स का आया था तो उस पर उनके अजीब व गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स आ गई। अभी डॉग बाइट पे आपकी जो है इतनी सीरियस नेचर की मिनिस्टर, उनकी आप स्टेटमेंट देख लीजिए। तो हम लोगों ने अजीब सा एक कर लिया है कि ठीक है, मेरा 5 साल का टेन्योर का यहाँ मैं गुजार लूँ, उसके बाद आगे। आप जाके हॉस्पिटल्स का हाल देख लीजिए, कुछ नहीं है। जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, अच्छा फिर लोग ना चाहते हुए प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ जाते हैं। अब प्राइवेट क्लिनिक्स में जितनी क्वैकरी हो रही है, क्योंकि मैं खुद भी इसी शोबे से ताल्लुक रखती हूँ, और डेंटिस्ट्री की बात मैं करूँगी कि जितनी डेंटिस्ट्री में क्वैकरी इस वक्त हो रही है, शायद ही किसी और डिपार्टमेंट में हो रही हो। और ये जो टेररिज्म हम कर रहे हैं ना, ये इस टेररिज्म को ये तो किसी की निगाह में भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ का और तस्करा कीजिएगा, जैसे अभी बात हो रही थी तरबियत के हवाले से, मुस्तफ़ा कमाल साहब क्योंकि खुद एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम की एक प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर रहे, फिर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे, बड़े वाइज उनके डिसीजन रहे, प्लानर बहुत अच्छे रहे,
وہ چیز اب ریفلیکٹ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر، کیونکہ انہوں نے خود اب پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا، تو اپنے ساتھیوں کو، اپنے کارکنان کو کیا یہ چیز بتاتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جا کے کیسے بیہیو کرنا ہے، جب کوئی پوزیشن مل جائے گی تو کس طرح سے آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھنی ہے، کمیونیکیشن کس طرح ہوگی، یہ تمام چیزوں کے اوپر ورک ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں شامل نہیں ہے کہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے سربراہ بیٹھ کر اپنے ورکرز کو یہ چیز بتائیں کہ کل جب تمہارے پاس پوزیشن ہوگی تو تم نے اس طرح ڈیلیور کرنا ہے، وہ فارمولا بتاتے ہی نہیں ہیں. کیا یہاں پر ہمارے جو چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، ان کا یہ وہ شخصیت ہے، میں اپنے لیے تو کہوں گی کہ میں سیاست میں آئی ان کو دیکھ کے، ٹھیک ہے، اور ہماری فیملی میں کوئی بھی سیاست میں نہیں تھا، ہم نے ان کو دیکھا اور جس طرح کے ان کے کام تھے جب وہ میئر تھے، اس کے بعد جب انہوں نے پولیٹیکل پارٹی جب بنائی تو ہم سب پریشان تھے کہ ہم تو اس شخص کو دیکھ کے آئے تھے تو وہاں چلا گیا، اگر یہ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے. پھر جب پارٹی میں ایز اے لیڈر ان کو ہم نے دیکھا، ان کو وہ ایک بہترین آرگنائزر، ایک بہترین مینیجر مینیج کرنے کے لیے، ایک بہترین ٹیچر ہیں، اور وہ ٹیچر اس طرح کے ہیں کہ وہ کبھی بھی کرٹیسائز نہیں کرتے. جیسے ان کا ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ مصطفیٰ بھائی بہت ڈانٹیں گے اور گالیاں دیں گے، اور یہ وہ ایک شخص جیسے ٹھہرا ہوا سمندر ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کے ہیں. ہم لوگ الیکشنز کی جو جب سے میں بہت زیادہ امپریس ہونا شروع ہو گئی کہ اپنی آئیڈیل شخصیات میں سے مصطفیٰ بھائی کا میں نے ان کے جو ہے نمبر اوپر چلا گیا کہ ہارے، سب لوگ ہار کے میں بھی ہار گئی، ہم جا کے بیٹھے اور بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا. مصطفیٰ بھائی بالکل خاموش ریلیکس بالکل بیٹھے ہوئے، سب لوگوں نے جب اپنا راگ الاپ لیا، رو لیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ لوگ ہار گئے. اچھا، اس میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ بھی چاہ نہیں رہا کہ آپ سے یہ کام لے. کیا اچھی بات، انہوں نے ایسی بات کی. اور اس کے بعد ان کی باتیں، انہوں نے کہا اب آپ کو میری باتیں آگے یقین آئے گا کہ جو میں نے بات کی ہے یہ بالکل، اور جس طرح سے حالات چلے، جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، تو ہر بار ہم ان کو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی شکر ہے ہم الیکشن میں نہیں جیتے. تو ان کی یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹے کارکن کے ساتھ بھی اسی طرح بیٹھیں گے جیسے وہ بڑے جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں نیشنل کاؤنسل کے لوگ، اس طرح سے ہر ایک کے پاس جائیں گے، ان سے بات کریں گے، انٹریکٹ کریں گے، اور ان سے کہیں گے مجھ سے پوچھو کوئسچنس، اب مجھ سے پوچھو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ کلچر ڈیولپ. اور ہمارے وہاں پی ایس پی میں یہ ہے کہ کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے، کوئی چھوٹا لیڈر نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، سب کا وہ سب کے ساتھ وہاں ہی جا کے نماز پڑھیں گے جہاں سب لوگ پڑھ رہے ہیں، بیٹھیں گے، اور کسی کے لیے کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ یہ جا نہیں سکتا، مصطفیٰ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سب لوگ جا کے ان کو مل لیں گے. اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ کوٹ کرتے ہیں، اسلام کو بھی کوٹ کر رہے ہیں، وہ باہر کی دنیا کی چیزوں کو بھی کوٹ کر رہے ہیں، اور ایک بیلنس طریقے سے چل رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں یہ کلچر ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی آپ کے گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. جب تک آپ کی پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں ہوگی، آپ ملک کی ڈیموکریسی کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں. اور اس کی اب مثال اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی جو موجودہ سسٹم یا جو پہلے جو بھی سسٹم رہے ہیں، اس میں انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ود ان دا پارٹی بھی جو ہے وہ نہیں ڈیموکریسی رہی. جب ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو شخصیات کو دیکھا جاتا ہے اور پسند ناپسند کو دیکھا جاتا ہے. جب آپ پسند ناپسند کو دیکھ کے کسی کو سلیکٹ کریں گے تو میرٹ نہیں ہوگا. تو میرٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر میرٹ کا مطلب ہے کہ میں اس شخص کو اگر پسند نہیں کرتی لیکن اس کا کام بہت اچھا ہے تو یہ سلیکشن کرائٹیریا کے لیے ایلیجیبل ہے. مصطفیٰ بھائی نے کبھی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ اکیلے نہیں کرتے پارٹی میں. جو چیز مجھے پسند ہے ان کی کہ کوئی بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی ہوگا تو وہ اجلاس بلاتے ہیں، سی سی کے لوگ بیٹھتے ہیں، نیشنل کاؤنسل کے لوگ بیٹھتے ہیں، اور سب آرگیو کرتے ہیں. آرگیو کرنے کے بعد جو میجورٹی کہہ رہی ہے پھر اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. سم ٹائمز ہم نے ایسا دیکھا کہ وہ اگری نہیں کر رہے لیکن ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہے، اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے. چونکہ میجورٹی کہہ رہی ہے اور وہ قائل کر رہی ہے اس بات کو، جب وہ قائل ہو گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی چیز کو واپس لیتا ہوں، آپ لوگوں کی بات مان لیتا ہوں. تو ایسے کرنا بہت ضروری ہے، وقت کی ضرورت بھی. اور یاسر یہاں ایک اور چیز بھی، میں پاک سر زمین پارٹی کی آپ نے بات کی، ایک جو سب سے امپورٹنٹ کنٹریبیوشن پاک سر زمین پارٹی کا ہے کہ
ہمیں انہوں نے پاکستانی بنا دیا. سب سے زیادہ ضروری ہے, سب سے امپورٹنٹ. آپ نے دیکھیے جب ہم کراچی میں, جب ہم دوسری پارٹی میں تھے تو یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ مہاجر ہے, ہمیں بھی ہند کو پتہ چلا. ہم جب اس پارٹی میں گئے پتہ چلا کہ ہم ہند کو ہیں یا جو بھی لینگویج آپ بول رہے ہیں. اب آپ جائیے فیڈرل بی ایریا میں, اگر کوئی بلوچ جا رہا ہے تو اس کو کوئی اس لیے نہیں مارے گا کہ یہ بلوچ ہے, اور اگر لیاری میں کوئی جا رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں مارا جائے گا کہ اردو اسپیکنگ ہے. تو یہ جو ایک تفریق تھی لوگوں کے درمیان, یہ ختم کی. جو وہ محبت کا بیج کہتے ہیں نا, محبت کا بیج بوئیں گے تو فصل بھی محبت کی کاٹیں گے, تو مصطفیٰ بھائی نے وہ بیج بو دیا, اور اب اس کا ہم ثمرات اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس نہ کوئی کاؤنسلر ہے, نہ ایم این اے ہے, کوئی سیٹ نہیں ہے, اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں, اور ہر دوسرے دن ہمارے یہاں پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے. پنجاب کا ہمارا وزٹ ہوا, اس میں جس طرح سے لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا, دیٹ واز سرپرائزنگ, زبردست. اچھا اب یہ بتائیے, کیونکہ اب بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست, آپ نے بہت اچھے سے تمام چیزوں کو دیکھا ہے کہ جہاں پر فلو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں گو ود دا فلو. ابھی ہم نے دیکھا جس طرح اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے اس کے اندر جس طرح لوگوں نے ایک دم سے شمولیت اختیار کی, اس میں ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ یا ورکر جو جن کی آئیڈیالوجی میچ نہیں کرتی تھی وہ بھی اس میں آ گئے, اور اب ایک یہ ڈبیٹ اسٹارٹ ہو گئی. ایک تو یہ جو پولیٹیکل افیئرز ہیں نا, اس سے ہٹ کر ایک ہو رہی ہے کہ اس پارٹی کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ جہاں پر نظریاتی لوگ ایک جگہ نہ ہوں, کسی ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر بلیو نہ کرتے ہوں, کسی ایک لیڈرشپ کے حوالے سے اپنی ایک سوچ نہ رکھتے ہوں, تو پھر وہ زیادہ دیر نہیں چل پاتی. کہ یہاں پر کوشش یہ ہے بی ایس پی کی کہ نظریاتی لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے, جو پارٹی کو کسی ایک شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو فرق نہ پڑے, اور اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ پولیٹیکل سسٹم جو وہ بنا کر جائے وہ پریویل کرے. کیا اس کے اوپر بھی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں جو ایک نظریاتی کارکن ہے, یہ ایک پارٹی کا ایسڈ ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے, اور وہ یونٹ جو ہے وہ نظریاتی کارکن ہی ہے. اگر آپ کے پاس کارکنان جو نظریاتی ہیں وہ نہیں ہے, تو آپ سمجھے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی ابھی بنی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی, جب پی ایس پی بنی تھی تو لوگ ادھر ادھر سے ہر جگہ سے آ گئے. وہ چونکہ ان کی ایک سوچ تھی کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, اور پتہ نہیں کیا یہاں پورے دنیا پہ ہم حکومت کر لیں گے. اور جو بھی آ رہا تھا, جیسے میں بھی گئی تھی تو سب لوگ میرے قریب آئے اور اچھا اچھا آپ کو کس نے فون کیا تھا, یہ سب پوچھا. سوال ہوتا ہوگا, تو ہر جگہ سوال یہ ہوتا تھا, اور ہم حیران ہو جاتے تھے کہ اچھا ابھی تک تو کوئی کال نہیں آئی ہمیں. تو اس میں یہ ہوا کہ لوگ آتے گئے اور سب کو ویلکم کیا, لیکن جب آپ کا, ہمارا تو ایک اللہ نے بڑا ہاتھ پکڑا ایسا کہ جب الیکشن ہم ہارے تو وہ لوگ جو کہ صرف کسی کام یا کسی مقصد کے لیے آئے تھے, وہ سب کے سب فلٹر ہو گئے. اب جو پارٹی کے ساتھ لوگ ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ الیکشن کے بعد پارٹی ہماری بنی ہے, اس کے بعد جو لوگ کھڑے ہیں وہ نظریاتی ہیں. جو مصطفیٰ بھائی نے جو نظریہ ہمیں دیا قومیت کا, سوری قومیت کی بات کر رہی ہوں, نیشنلزم کی جو بات کی انہوں نے, پاکستانیت کی جو بات کی انہوں نے, کہا جی نیشنل انٹرسٹ پہ ہر چیز کو کمپرومائز ہم نے کر دینا ہے, آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہے. اور یہ جو ڈفرینٹ لینگویجز ہیں, یہ تو خوبصورتی ہے آپ کے معاشرے کی. بالکل, اس کو تو, یہ تو رچ اتنا معاشرہ, اس کو لے کے چلیں. آپ کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیے, آپ اپنے بچوں کو کیا ٹرانسفر کر کے جائیں گے, بندوق کی سیاست کر کے جائیں گے, یا آپ یہ چاہیں گے کہ بچے آپ کے سکون سے رہیں؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کا فیوچر سیکیور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کا فیوچر سیکیور کر رہے ہیں. تو جو نظریات کے تحت جو لوگ آئے, وہ نظریاتی کارکن آج بھی یہاں موجود ہیں, اور جن لوگوں نے جو ان کے فلسفے سے جو ہیں ہوئے ہیں متاثر, وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں لوگ. تو جو دوسری جو پارٹی آپ نے پی ٹی آئی کی جو بات کی ہے, دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے, ایک درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں, اور ایک پھول ہوتا ہے کنول کا پھول, بہت خوبصورت ہوتا ہے, لیکن اس کی جڑ نہیں ہوتی. کنول کا پھول ہٹ جائے تو وہ نیچے کچھ نہیں رہتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس درخت کی مانند ہونا چاہیے, بھلے خوبصورت نہ ہو لیکن جڑیں بہت مضبوط ہوں, اور جہاں کھڑے ہیں آپ کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہو کہ آپ کس ڈائریکشن میں, کس سمت میں جا رہے ہیں. پہلے آپ اپنے لیڈر کو, جو آپ کی پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہے, اس کی شخصیت کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا. اور شخصیت کو دیکھنے کے بعد پھر آپ
जाएंगे उस पार्टी में और आप देखेंगे कि हाँ सब लोग जा रहे हैं डायरेक्शन में और आपने अपने लीडर के पीछे ही रहना है क्योंकि आप लीडर के साथ चल रहे हैं और लीडर अगर पाकिस्तान की बात कर रहा है, अगर वो मोहब्बत की बात कर रहा है, अगर वो पीस की बात कर रहा है, तो मेरा ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को ऐसे लीडरान की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए कि क्या ये डिस्कशंस में रहती है चीज़ कि ये जो मसाइल इस वक्त हल नहीं हो रहा है, व्हाट इफ़ के हमें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है किसी भी सतह पर या हमें मिलती है कि अगर हमें मुल्की मसाइल का हल तलाश करना हो, और अभी जैसे आप समझ लीजिए कि अगर आपको इस वक्त ये पोजीशन दे दी जाए कि आप ये तमाम मसाइल हैं जिसमें मौशी मसाइल हैं, आम आदमी के मसाइल हैं, रिहाइश का मसला है, रोज़गार का मसला है, या शहर कराची की अगर बात कर ली जाए मुख्तलिफ मसाइल जिससे आप आगाह हैं, अगर आपके पास इस वक्त पोजीशन आ जाती है तो इसको देन एंड देयर किस तरह हल करना है, इसके बारे में डिस्कशन होती है? देखिए, बारह दफ़ा डिस्कशंस भी हुई हैं, बारह दफ़ा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और अभी तो हम एक पूरा एक रिटन मुसव्वदा बना रहे हैं जो कि हम आप लोगों से शेयर भी करेंगे कि हवा में बात करना जो है वो नहीं, आप रिटन आपके पास है कि जी हमारे हमें जब मिलेगी हुकूमत तो हम इस तरह से करेंगे और उसका पूरा फॉर्मूला उसमें वो हमने बैठ के डिस्कस भी किया और हमारे जो लॉयर्स हैं उस फोरम से भी हमने बात की उन लोगों ने कि इसको किस तरह से हमने लेके आगे चलना है। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, देखिए कराची जब मुस्तफा कमाल साहब के पास था तो उसका नक्शा चेंज हो गया था, वो रात में भी काम कर रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं और किया उन्होंने काम, उसमें ये हम डिबेट में नहीं जाते कि वो किस पार्टी से थे क्योंकि उस पार्टी के और भी बहुत से लोग थे, तो उनको जो है मैं समझती हूँ कि क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि आप जो है कोई पॉजिटिव बात करके कॉन्क्रीट बात करके जाएं। तो इन्होंने किया और अभी भी जब ये बात बार बार कह रहे थे कि कराची में कचरा नहीं उठ रहा, तब इज इट पॉसिबल कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और जो एक आपका बिजनेस हब है जो दूसरे पूरे मुल्क से लोग आते हैं और वो वहाँ आके अपना रोज़गार तलाश करते हैं, जिस जो चलता है तो पूरा मुल्क पर पलना शुरू हो जाते हैं, इज़ इट पॉसिबल कि वह कचरा नहीं उठ रहा? इसलिए कचरा नहीं उठ रहा कि लोगों की नीयत नहीं है। हमने कहा कि आप हमें दे दें, हम कर देते हैं काम, बिल्कुल ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं, जिसपे मेयर कराची ने कह भी दिया लेकिन उनको एकदम से याद आ गया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया और उन्होंने फौरन वो वापस ले लिया। मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने अल्लाह ताला ने उनसे ये नेक काम करवाना अगर चाहा था तो वो कर देते जी। और कम अज़ कम जगह साफ़ हो जाती, कचरा साफ हो जाता। ये सिर्फ किसी एक शख्स को हम अगर ये कहें कि नहीं हमने उसको जो है बिल्कुल पॉलिटिक्स में पीछे रखना है, ऐसी बात नहीं है। जो शख्स काम करना चाहता है उसको ले के आइए, एक शख्स है उसके पास ये जो है कैपेसिटी, वो ये काम कर सकता है, तो आप उसको क्यों नहीं ये काम करने दे रहे हैं? और अभी भी मैं आपको बताऊं कि जब भी हमारी पार्टी को जो है हम जब आएंगे इंशाल्लाह और अल्लाह ताला जब चाहेंगे जी। तो आप ये देखिएगा कि हमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है कि हमने किस तरह से काम करना है। अगर बल्दियात की बात है तो बल्दियात में किस तरह काम करना है, अगर हम असेंबलीज में जाते हैं तो वहाँ हमने लेजिस्लेशन किस तरह से करनी है कि मुल्क की मईशत, ये नहीं कि आपने अब जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट को तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा नाउमीद हुए हैं कि उन्होंने हाइप बहुत क्रिएट कर दी थी और काम अब उसमें ये था कि अगर आप ये सब ठीक है, उनकी नीयत अच्छी होगी और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे बेहतर हो, लेकिन आपके पास कोई टीम ही नहीं है तो टीम आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। मुसा भाई ने तो टीम अपनी सेलेक्ट की हुई है कि ये टीम है जो मेरे साथ काम करेगी, ठीक है, और हम सबको जो भी प्रोग्राम्स हैं आप हमारे, बल्कि अभी दो दिन पहले हमारे मिलाद हुआ था, आप आके देखते हैं कि किसी को कोई ड्यूटी दी नहीं गई थी, खुद से सब काम कर रहे थे। ज़बरदस्त। तो एक फैमिली की तरह जब आप यहाँ काम खुद कर रहे हैं तो फिर आप अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं काम कर सकते? बिल्कुल करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपके पास विल होनी चाहिए और जब तक विल नहीं होगी तो कोई भी चीज़ मटेरियलाइज नहीं हो सकती, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब कन्फ्रंटेशन हमेशा से रहती है, सियासत का हिस्सा भी है और कन्फ्रंटेशन का अंदाज जो है वो पूरी दुनिया में ज़रा अलग होता है, पाकिस्तान में और हमारे शहर में ज़रा अलग समझा रहा है। हमारी एक ऐसी हिस्ट्री है, बहुत छोटी सी हिस्ट्री है, लेकिन उसमें जिस तरह की कन्फ्रंटेशन यहाँ पर रही है,
उसके ऊपर लोग हैरान रह जाते हैं जब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ इस इशू के ऊपर ऐसे मामलात रहे हैं, तो बड़ा हैरान होते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि हमारी सोसाइटी, ख़ासतौर पे हमारे लोग बड़े इंटॉलरेंट हैं। अब सोसाइटी के मिजाज को चेंज करना भी ज़रूरी है, और ये जो एक माइंड मेकअप है इसको भी बदलने की ज़रूरत है। इसके हवाले से क्या किया जाए कि लोगों की सोच है इसको पहले तब्दील किया जाए, क्योंकि जब तक सोसाइटी में, जैसा भी बात कचरे के हवाले से हो रही थी, ये उस वक्त तक साफ बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक लोगों के जहन साफ नहीं होते। लोगों को खुद कंट्रीब्यूट करना होता है, ये भी एक बड़ा मसला है। इसके ऊपर काम हो रहा है कि जहन साजी की जाए, जो वोटर था, जो एक रिवायती वोटर था, उसकी सोच को भी तब्दील करें। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हम लोगों के जो जहनों में जो फतूर है वो जी जब तक ठीक नहीं होगा उसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि जब हम तरबियत की बात करते हैं तो, और फिर हम स्कूल्स की बात जब करते हैं, तो उसमें जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, मैं, मेरा स्ट्रॉन्ग इसमें जो है कंसिडर्ड ओपिनियन है कि सिलेबस को चेंज होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो सिलेबस मैंने पढ़ा है वो मेरी बेटी भी पढ़ रही है, और शायद मेरी वालदा ने भी वही सिलेबस, सबने वही पढ़ा है। ये बात है, आप इसको चेंज करें। आपको इस वक्त जो दौरे हाजिर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करें, वो आप अपने सिलेबस में शामिल करें। लोगों को हमारे ज़माने में जो हमारा स्कूल में जो था, आई डोंट नो, अब मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो एक क्लीनलेस डे हुआ करता था। हम लोग खुद कचरा उठाते थे, साफ करते थे। ये चीज़ें स्कूल से जब तक नहीं स्टार्ट होंगी तब तक आगे चीज़ें नहीं है। हमने ये सोच लिया है कि हम अपने घर को साफ करके कचरा दूसरे के घर के सामने रखते हैं, ये सेंस जो है जब तक आपकी तरबियत प्लस आपका मीडिया इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मीडिया का ये दौर है, मीडिया कैंपेन लाजमी ये चलाए, आपके जो मॉर्निंग शोज़ हैं उसमें ये चीज़ को डिस्कस होना चाहिए, कैसे हम इन चीज़ों को लेके चलें, कैसे हम अपने, देखिए हम बहसियत मुसलमान, हमारी निस्फ ईमान जो है वो सफाई है, बिल्कुल दुरुस्त। अब वो सफाई तो है नहीं, तो निस्फ ईमान तो चला गया और बाकी जो निस्फ रह गया उसका तो अल्लाह हाफिज है, उसको भी हमने डिवाइड कर दिया है, पता नहीं क्या क्या हमने, मुख्तलिफ सेक्स में, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर वो चला गया। अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज वेरी सैड। इसको हमें देखना पड़ेगा कि चीज़ों को लेके कैसे हमने चलना है। प्लस आपका जो इलाके का जो भी आपका अवामी नुमाइंदा है, उस शख्स को खुदारा सेलेक्ट करें कि जो ये तमाम चीज़ों पे पूरा उतरता है, ठीक है। वो इसलिए नहीं, आप वो हमें खुद तय करना होगा उसका क्राइटेरिया कि ये क्वालिफाई करता हो कि यहाँ का रहने वाला हो, यहाँ के मामलात को समझता हो, नियत साफ हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अब इस चीज़ों पे लोगों को ज़रूरत है, सोचे बैठ के, ये जब तक ये सोच डेवलप नहीं होगी तो ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। वही लोग आ जाएंगे कि हैरत की बात है, इलेक्शन होता है जिसपे इतना पैसा खर्च होता है, वो आपकी और मेरी जेब से ही निकल के जा रहा है। इलेक्शन से जीत के वो ओथ लेते हैं, और ओथ लेने के दूसरे दिन पता चलता है कि ये शख्स तो क्रिमिनल है, ये तो भागा हुआ है। बहुत सारे लोग तो अपने इलाके के MNA को जानते तक नहीं है, या MPA को जानते नहीं है, तो इससे बड़ी और क्या मजाक करते हैं। कम से कम जो आपके इलाके के MPA MNA जो कॉन्टेस्ट कर रहा है वो मीडिया में आके गुफ्तगू करे, लोगों को उसकी सोच का तो पता चले कि वो क्या चाह रहा है, उसका अंदाजे तखातुब क्या है। ये तो नहीं कि यहाँ आके जैसे जो जो हम लैंग्वेज आप सुनते हैं, क्या ये हमारे घरों में हम बोलते हैं? तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा, और जब तक अच्छे लोग नहीं आगे आएंगे कोई सिस्टम ठीक नहीं हो सकेगा, कोई सिस्टम ठीक नहीं हो सकेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये ब्रॉटअप की भी एक बात होती है। अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा किरदार रहा करता था माजी में, क्योंकि इतना लंबा तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल सिस्टम रहा नहीं, आपको पता है कि बैक टू बैक डिक्टेटरशिप रही है मुख्तलिफ अदवार में। यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा रोल होता है कि वहाँ पर जो है ब्रिंगिंग हो नए पॉलिटिशियंस की, उनको पॉलिटिक्स सिखाई जाए, उनको बात करने का तरीका सिखाया जाता था, उनको स्पीचेस देना सिखाई जाती थी, उनको ये बताया जाता था कि किस तरह आपकी दूसरे की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझे, उसको रिस्पेक्ट करे, उसके थॉट्स को। वो चीज़ ख़त्म हो गई क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अब क्या समझती हैं वो दोबारा चीज़ रिवाइवल उसका होना चाहिए, और ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट वहाँ से बनकर निकले अच्छे लीडर्स की शक्ल में हो, ना कि अच्छे पॉलिटिशियंस की शक्ल में हो। देखिए मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक में हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स ये जो ये वहाँ से वो एक नर्सरी है जी, जो कि लीडर्स को बनाती है। आपके लीडर्स
وہیں سے آتے تھے. اب سوچئے کہ اب آپ کے کہاں سے لیڈرز آ رہے ہیں, اب آپ کے صرف پولیٹیشنز آ رہے ہیں, لیڈرز نہیں آ رہے. تو لیڈرز آپ کی انسٹیٹیوشن سے ہی آئیں گے, لیکن ان اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو ہائر کر لیا اور وہ بچے بجائے یہ کہ اپنے نصاب پہ توجہ دے وہ آپ کی آپ کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں, اور پھر وہ جس طرح سے ان کے ڈگریز ان کو ملتی ہیں اور جس طرح سے ایگزامینیشن سسٹم کی دھجیاں اڑتی ہیں, اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے ملک کو کہاں لے کے جانا ہے اگلے 10 سالوں میں یا 20 سالوں میں, ہم نے اپنے ملک کو کہاں کس مقام پہ لے کے جانا ہے. اس مقام کے لیے ہمیں آج سے کام کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنس کو دیکھنا پڑے گا, وہاں کے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور لیڈرز کو لانا پڑے گا انسٹیٹیوشن سے. اور بالکل اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اس کی میں حامی ہوں, اس کو آنا چاہیے. لیکن جو ماضی میں آپ نے دیکھا ایک مار دھاڑ کی سیاست ہو گئی اور ایک گولی اور بندوق کے ساتھ, اس کو جو ہے اس کی نفی ہونی چاہیے, ہونا چاہیے ونس اینڈ فار آل. تاکہ اب کیونکہ جب بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی بات آتی ہے دماغ میں وہی کلچر آتا ہے کہ دو کلاش ہو رہا ہوگا دو پارٹیز کا, پھر اس میں اسٹوڈنٹس جو وہ سفر کرتے ہیں, ٹیچرز ایٹ ٹائمز ان کو سفر کرنا پڑتا ہے, اور پھر ایک ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہاں سوائے ایجوکیشن کے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب کمنگ بیک ٹو یہ پارٹی پی ایس پی کی طرف واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پی ایس پی نئی پارٹی ہے. اب نئی پارٹی اور خاص طور پہ شہر کراچی کے اندر اگر اس کا آغاز ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے ابہام ہوتے ہیں, بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, مختلف شکل میں آتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, سوشل میڈیا کے ذریعے آتے ہیں, اور وہ جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ کہاں سے فون آیا, یہ چیز کیسے ختم کی جائے, یہ سوچ کیسے تبدیل کی جائے کہ جی یہاں پر پارٹیز بن سکتی ہیں اور بننی چاہیے اگر کوئی نظریاتی لوگ ہیں, اگر جو سمجھتے ہیں ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے اس کی بنیاد پر نئی پارٹیز بن سکتی ہیں, اور لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کے پاس آپشنز ہیں اور ان کا جو آپ نے انتخاب کرنا ہے وہ ان کی میرٹ کے اوپر کریں, نہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاسٹ میں اس کا ریکارڈ کیسا تھا, یہ پاسٹ میں وہ کیا کرتا رہا ہے. اس چیز کو آپ کے خیال میں ختم ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ایک جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک مین جو ہے وہ آپ کی رائے کا احترام سب سے زیادہ ضروری ہے, سب سے ضروری ہے. اور اس اور آپ کو سلیکشن آپ کی جو ہے نا رائٹ آف سلیکشن, ایک سلیکشن آپ کا ایک لفظ ایسا بن گیا ہے کہ اب تو سلیکشن کو ادا کرتے وقت بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ کہیں سلیکشن کی بات کریں تو یہاں پہ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب سلیکشن کوئی خاص ادارہ کرتا ہے اور مخصوص لوگوں کو جو بٹھا دیتا ہے, تو اس کی بھی تھوڑی تشریح فرما دیجیے. میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں کہ جب نا اہل لوگ ہوں گے اور سسٹم چلانا ہے تو ان کو سلیکٹ کیا جائے گا, کہ بہت سے نا اہلوں میں سے بہتر نا اہل کون ہے اس کو ہم اس کو پھر آپ سلیکٹ کرتے ہیں. الیکشن الیکٹ تب ہوں گے جب آپ کے پاس اہل لوگ موجود ہوں گے, جب آپ کا سسٹم اس قابل ہوگا کہ الیکشن سے یہ چیزیں چل سکیں گی. اور وہ کب ہوگا؟ جب لوگ دیکھیں, ہم آپ کے پاس ایک را لوگ جو ہیں وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. 5 سال کے بعد تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ لیجسلیشن کرنی کیسے ہے, اس میں ڈرافٹ کیسے بنانا ہے, یہ سب چیزیں ان کو پتہ چلتی ہیں بعد میں. لیکن ہم دوسرے ممالک کو دیکھیں تو وہ پالشڈ ہو کے آتے ہیں, وہ ایک سسٹم سے آتے ہیں. جب تک آپ کے پولیٹیشین سسٹم سے نہیں آئیں گے, جب تک وہ کچھ چیزوں کو لرن کر کے نہیں آئیں گے, تو یہ چیزیں نہیں, پھر وہ آپ کی سلیکشن ہی ہوگی, الیکشن نہیں ہوگی. تو الیکشن کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں الیکشن ہو, تو پھر اس چیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ جب آپ پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں تو ہم نے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے ملک میں نظام کون سا چلانا. اگر آپ نے ڈیموکریسی رکھنی ہے, جمہوریت رکھنی ہے, تو دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں. اور ڈیبیٹنگ بہت ضروری ہے. پہلے ڈیبیٹنگ کلبز ہوا کرتے تھے, ہم لوگ بھی ڈیبیٹس اس میں کیا کرتے تھے. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی نا, تو اس چیز کو دوبارہ سے لانا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو سینئر پولیٹیشینز ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان کو آگے آنا چاہیے اور ابو پارٹی لائن رہ کے یہ کام کریں. اور جہاں سے کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ بچہ جو اس قابل ہے اس کو بالکل آگے لے کے موقع دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر فوزیہ حمید, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا, بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا, بہت کچھ جاننے کا موقع ملا. خاص طور پہ خواتین جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں انہیں بہت کچھ اس سے جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. سیاست کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا ہمیشہ کہ خواتین جو ہیں وہ گھروں پہ رہتی ہیں, کام کرتی ہیں اور ان کو یہ کرنا چاہیے, لیکن سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. اور موجودہ سیاست میں یہ جو سیاسی نظام ہے, یقیناً تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے.
مختلف پولیٹیکل پارٹیز بن رہی ہیں، لوگوں کے نظریات تبدیل ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے یہاں، کیونکہ اس طرح کا ایک تاثر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی چھوڑتا ہے دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے، جی آپ کی سوچ بدلتی ہے وقت کے ساتھ حالات کو دیکھتے ہوئے، تو یقیناً یہ ہونا چاہیے۔ اور جیسا بھی بات ہوئی کہ آپ کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، اور جب لوگوں کو منتخب کریں، جب الیکشن میں وہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے کینڈیڈیٹ، تو کیا کیا چیز ہے جس کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، یقیناً یہ بھی تربیت کا ایک عمل ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ضرور گفتگو کریں گے۔ یہاں پر ہمارے سیگمنٹ کا اختتام ہو رہا ہے، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی۔ ویلکم بیک ون سیکنڈ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی کچھ پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے، کچھ پارٹیز میں جو نئی انڈکشنز ہو رہی ہیں، کچھ نئی پولیٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں، اس حوالے سے بات کر رہے تھے، خواتین کے رول کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اویئرنیس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کیا ہونے کی ضرورت ہے، تبدیلی جس کے اوپر بات ہوتی ہے کس طرح آ سکتی ہے، پولیٹیکل سسٹم میں کس طرح تبدیلی آ سکتی ہے، یہ تمام چیزیں جس کے اوپر گفتگو کی۔ بہرحال اب ایک اور بڑا اہم موضوع ہے حالات حاضرہ میں، اس وقت جو سب سے زیادہ خبریں آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے آ رہی ہیں، اور یہ جو پولیٹیکل اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے، جو پارلیمنٹیرینس کے ایشوز ہیں، پارلیمنٹ کے جو ایشوز ہیں، اس حوالے سے آج کل گفتگو ہو رہی ہے۔ کوشش کریں گے کہ آج کے اس پروگرام میں، اس حصے میں، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکے۔ بڑے خاص مہمان آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ آج معیشت کے حوالے سے بھی بات ہو سکے پروگرام میں، اور جو سیاسی معاملات اس وقت جاری ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو ہو سکے۔ تو دو بڑے خاص مہمان آج اسٹوڈیوز میں میں نے یہاں مدعو کیے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا جناب عتیق الرحمان صاحب کو، معاشی تجزیہ کار ہیں، مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، بڑے دیر سے آپ کی وابستگی ہے کراچی چیمبرز آف کامرس انڈسٹری کے حوالے سے، بینکنگ کے شعبے سے کیونکہ آپ کا تعلق ہے، اس حوالے سے آپ تجاویز بھی دیتے ہیں، اور ان کی جو کمیٹی ہے اس کے جو آپ سربراہ بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وغیرہ میں بھی آپ حصہ لیتے رہتے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ عتیق بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں حسین تھیبو صاحب، پولیٹیکل انالسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، لکھتے بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے کام کرتے ہیں، آپ مختلف پروگرامز میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو انالسٹ ہیں، جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اس میں، حسین تھیبو صاحب جو ہے وہ سر فہرست ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا اپنے اس پروگرام میں۔ حسین تھیبو، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عتیق الرحمان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، سب سے پہلے تو معاشی معاملات کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیا جائے، کیونکہ معاشی معاملات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ پیچیدگیاں اس میں زیادہ نظر آ رہی ہیں، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہو چکی ہے، جو مسائل تھا اس کو اوورکم کر لیا ہے، اب آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ ایک معاشی تجزیہ کار کی حیثیت سے اس بات کو کس حد تک درست سمجھتے ہیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے، سچائی ہے، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کیجیے۔ بہت شکریہ یاسر۔ اکنامک کنڈیشنز تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہے جی، اور اتنی کوئی خاص خبریں ہیں نہیں اکنامکس میں، اور کوئی اتنی پروگریس آ نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس روڈ میپ نہیں ہے، اور جب روڈ میپ نہیں ہے تو پھر کوئی ٹارگیٹس نہیں ہے، اور جب ٹارگیٹس نہیں ہے تو گروتھ جو ہے اس کا پیس بہت سلو ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ہوئیں ماضی میں ایسی جس کی وجہ سے کچھ پرابلمس آ گئے اکنامک کنڈیشنس کو پاکستان کی۔ اس میں سب سے بڑی جو کریٹیکلی میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ریجن میں سب سے زیادہ ہائک پہ چلا گیا جی، اور جب انٹرسٹ ریٹ ہائک پہ جاتا ہے تو بہت سارے پرابلمس آتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا پرابلم جو آتا ہے وہ آپ کے ٹریڈ ڈیفیشٹ کو کور کرنے میں آتا ہے، جس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے، اور میں آگے جا کر بھی بتاؤں گا آپ کو کہ ٹریڈ ڈیفیشٹس میں جو کرنٹ بیلنس اکاؤنٹ اور بیلنس آف پیمنٹ کرائسز ہیں اس کو اس کے بارے میں جو ٹرن اراؤنڈس کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہے ان کا فیکٹ۔ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو ہائک کرتے ہیں تو ایک طرف تو آپ سیونگ کرنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن آپ نے دوسری طرف گلا گھونٹ دیا معیشت میں اس کامن آدمی کا جو آگے انفلیشن کا اتنا بڑا شکار تھا اور کافی پرابلمس میں تھا، اس کو کوئی لائٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو انٹرسٹ ریٹ ہائک ہونے کی جو تین چار میجر پرابلمس آئے، ان میں سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ایکسیس ٹو فائنینس، بینک سے جو پیسہ لے کر انسان کام کرتا ہے، میں ایکسپورٹ کی مثال دے رہا تھا کہ ایک ایکسپورٹر جو ہوتا ہے جب وہ اپنا سارا پیسہ اپنی ایکسپورٹس میں لگا دیتا ہے تو اس کے پاس ایک لیکویڈیٹی کرنچ آ جاتا ہے، پیسوں کا کرنچ آتا ہے، وہ بینک کی طرف دیکھتا ہے۔ جب انٹرسٹ ریٹ ہائک کرتے ہیں تو اس کو بہت ہائر انٹرسٹ ریٹ پر وہ پیسے بورو کرنے پڑتے ہیں، جب وہ پیسے بورو کرتا ہے اس ریٹ پہ تو اس کا مطلب ہے کاسٹ آف بوروئنگ بہت ہائی ہو جاتی ہے، تو اس کی جو کمپٹیشن پہ وہ جا رہا ہوتا ہے ساری دنیا میں، وہ مال کو اس انوائسز کو ان ریٹس پہ رکھ کر کے بھیج رہا ہوتا ہے،
वो उस कॉम्पिटिटिव नेट से निकल जाता है। मिसाल के तौर पे जब उसने एक्सपोर्ट कर दिया, अब उसके पास पैसे नहीं है उसके नए ऑर्डर्स के लिए, उसको रॉ मटेरियल भी खरीदना है, सैलरीज भी देनी है, यूटिलिटी बिल्स भी पे करने और बहुत सारे काम ऐसे करने जो उसको उस फाइनेंसिंग से करने जो वो बैंक से लेता है। तो जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो एक्सपोर्ट डैमेज होती है और वो एक्सपोर्टर अपनी नहीं टिका। दूसरा क्या होता है कि जब आप कर्जे ले चुके होते हैं बैंक से और अचानक आपको पता चलता है कि 6% से जंप लिया 10% और 10 से 13.25%, एक अजीब सा प्रॉब्लम आता है और उसमें ये होता है कि आप वो पे नहीं कर पाते तो आप नॉन परफॉर्मर बन जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे मेजर बात चेक करने की और बताने की है वो ये है कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग, मेरे पास अगर गाड़ी नहीं है तो मैं बैंक की तरफ रुजू करता हूँ और गाड़ी लेने की कोशिश करता हूँ किस्तों पे बैंक से। मेरे पास घर नहीं है तो मैं बैंक से रुजू करता हूँ और कर्जा लेके घर लेने को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब पता चलता है कि मैंने तो जब लोन लिया था तो इंटरेस्ट रेट 6% पे था, आज ये 13 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया, तो जब मैं ये क्लेम कर रहा होता हूँ कि आज गाड़ी मेरी होगी, मैंने पूरी किस्तें पे कर दी, पता चलता है नहीं, इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से अभी आप एक साल और पे करें। और इस तरह कंज्यूमर फाइनेंसिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, कंज्यूमर फाइनेंसिंग हमेशा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को ज़रूरत पड़ती है, इसकी चाइकॉन्स को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब इसको ज़रूरत पड़ती है इनको तो ये डैमेज होती है, इनकी ये रिकोर्स डैमेज होती है, ये इनकी फीलिंग डैमेज होती है कि ये इस फैसिलिटी को भी अवेल नहीं कर पाते। मैंने आपसे जैसे कहा कि फिर हमारे एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ वो ये हुआ कि जहाँ इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ रीजन में सबसे ज़्यादा, वहाँ पर टैक्सेस जो है वो भी हाईएस्ट इन द रीजन है। हर किस्म के टैक्सेस लगे हुए थे, उसके ऊपर से हमने क्या करा, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज लगा दी, रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा दी। ठीक है, हमने इंपोर्ट को कंट्रोल किया, जब इंपोर्ट को कंट्रोल किया तो फिर हमने साथ में अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको भी कंट्रोल करने की। तो ये सारी चीज़ें कुछ मिक्सअप होकर के हमारे इन्फ्लेशन को मॉनिटर नहीं कर रही हैं बल्कि इन्फ्लेशन को बढ़ा रही हैं। और एक आम आदमी की जो तकलीफ है वो बढ़ती जा रही है। उसका एक ही तरीका है कि एक रोड मैप आए, लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को। और मैं आखिरी बात जो आपको इस हवाले से करना चाहता हूँ ये कि देखिए, बड़े इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इकोनॉमीज में चांस नहीं होता है, और जब इकोनॉमी में चांस नहीं होता तो इसका मतलब ये कि इकोनॉमिक जो है वो एक कंसिस्टेंसी पे चल रही थी। हमारी इकोनॉमिक्स बदनसीबी से पिछले चंद दिनों से और बल्कि पिछले एक दो साल से एक ऐसे ट्रैक पे चल रही है जहाँ पे हम चांस की इकोनॉमी पे बैठे हैं। जब हम चांस की इकोनॉमी में बैठे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि चांस तो गैम्बलिंग होता है, गैम्बलिंग कैसीनो में की जाती है, इकोनॉमी में नहीं की, तो उसमें हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक आ रहा है। सो वी हैव टू क्रिएट अ रोड मैप। मेरा सारा बात कहने का मतलब ये, अब तक हमें कोई डायरेक्शंस नहीं मिली इकोनॉमिक कंडीशंस पे, वो डायरेक्शंस हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिक डायरेक्शन होनी चाहिए और चांस के ऊपर जो है वो फैसले नहीं लिए जाते और अप्लाई नहीं होती थ्योरी यहाँ पर तक सामने आई है। बहरहाल जी, आज के जो न्यूज़पेपर हैं उसमें एक बड़ी सबसे बड़ी जो खबर है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा मुल्की सियासत के ऊपर, इसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। हुसैन थेबा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा ये बताइएगा आज को कम बेश तमाम ही न्यूज़पेपर और गुज़िश्ता दो दिनों में अखबारात की जो अहम सबसे बड़ी खबर रही है, जो शह सुर्खी रही वो यही कि जी एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, अदालती फैसला आ गया, ये सारे मामलात क्या हैं, ज़रा ये सुनने वालों को ये समझाइएगा कि इसके क्या असरात होंगे मुल्की सियासत पर, थोड़ा मैं चाहूँगा इस पर कमेंट कीजिए। सर शुक्रिया, मैं इसमें गुजारिश कर लूँ कि सबसे पहले तो आप एक गवर्नमेंट की इसमें सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम ये जिस भाई ने बातें की ना, हम असल में हमें तो बातें करनी ये चाहिए जी, कि हमें इकोनॉमिक कंडीशंस को हमें कैसे बेहतर बनाना है, हम मुल्क को कैसे ग्रोथ। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएगा कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस क्या है कि वो लेटर को टाइप करने तक पढ़ते भी नहीं है कि हम उसमें क्या लिख रहे हैं, तो आप क्या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करेंगे? इस मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने के लिए आप कैसे मयस लेंगे? आप ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ लेते ही नहीं है, इससे ऐसा अंदाज़ा हो रहा है। देखें, मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ अभी कि वो जो लेटर में ड्राफ्टिंग क्या हुआ वो उसमें क्या, लेकिन जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं इनके तो काम नहीं है ना, ये तो काम ब्यूरोक्रेसी का है, ये तो सेक्शन अफसर, मैं ब्यूरोक्रेसी का एक पार्ट रहा हूँ, मुझे पता है कि ये तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेलिब्रेटली गलत हो रही हैं। और गवर्नमेंट ना तो ये चाह रही है कि ये हमारे साथ एक पेज पर आ जाए,
ये जो जहाँ तक आर्मी चीफ साहब के एक्सटेंशन का मसला है सर, बात ये ना कि ये जनरल बाजवा का या जनरल राहिल शरीफ का या जनरल क्यानी साहब का मसला नहीं है जी। ये बेसिकली एक पोजीशन है जिसका एक्सटेंशन था, जिसके जिसको आप कहेंगे आर्मी चीफ जी। अब मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि ये आर्मी पाकिस्तान की जो आर्मी है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। बट दुनिया में क्या होता है कि इंस्टीट्यूट्स की हैसियत होती है, इंडिविजुअल्स की नहीं होती है जी। आप अंदाजा लगा लें, जब राहिल शरीफ साहब यहाँ पे इस आर्मी का हेड थे तो वो 500 पावरफुल तरीन लोगों में शामिल थे और डिसीशन लेते थे और बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठते थे और उनको कंसल्टेंसी की जाती थी। अच्छा, फिर उसके बावजूद उनके यहाँ से जाने के बाद वो 39 कंट्रीज के हेड हो गए, लेकिन रिजल्ट क्या है? जीरो। इसका मतलब ये है कि राहिल शरीफ की इंडिविजुअल की कोई हैसियत नहीं है जी। थेबो की या यासर साहब की इंडिविजुअल की कोई हैसियत नहीं, इदारों की हैसियत होती है। तो इदारों का सिस्टम बिल्कुल ठीक है। अब आप हम जाते हैं कि इसकी एक्सटेंशन की जरूरत क्यों पड़ी। एक्सटेंशन की भाई जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी तक जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसके ऊपर जो लोग हैं, जो बाहर आपका ट्रेड है, जो आपकी बाहर की जो आपकी डीलिंग, उनका आप ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सकें। जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा तो इस वक्त आपका सीपेक चल रहा है, आपका जितना आपका मिडल ईस्ट के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं उनमें सारे के सारे एग्रीमेंट्स में आपके जो आर्मी चीफ साहब बैठते हैं वो विजिट करते हैं और वो जो बाहर वाले मुल्क हैं वो उनसे डील करते हैं कि जी आप एक हमें अश्योरेंस दे दें। तो ये भी पॉलिटिकल सिस्टम की वीकनेसेस है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अदरवाइज जो आर्मी चीफ है, मैं नहीं समझता कि उनको कोई इस चीज का शौक है कि मुझे एक्सटेंशन दे दे। वो तो उन्होंने पहले ही आईएसपीआर ने भी कैटेगरिकली कहा था कि जो पॉलिटिकल जो जमहूरियत का जो सिस्टम है हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन आपने जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये नहीं कहा कि आप एक्सटेंशन दे सकते हैं या एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं। उन्होंने सिर्फ तीन चीजें पहले दिन पूछी थी। उन्होंने कहा था कि जी इसकी लीगलिटी बता दें जी, इसका प्रोसीजर बता दें और इसकी रीजनिंग बता दें। अच्छा, रीजनिंग जो थी वो तो उन्होंने बता दी कि हमारे पास ये। अब प्रोसीजर और जहां तक लीगलिटी की बात है तो हमारे लेजिस्लेशन का तो अभी तक बेड़ा गर्क है ना। आप सुप्रीम कोर्ट के लेजिस्लेशन को ले ले, वो भी जो 18वीं सदी के चला रहे ना, आपने कौन से बढ़ा दिए हैं कि आपने इसको हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना उछाला जिसको इंडियन मीडिया ने भी उसको नेगेटिव इमेज में। लेकिन ये सारा डिस्क्रेडिट जाता है तीन दिन के अंदर ये गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को अब चाहिए कि खुदारा एक पेज पे आ जाएं, ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ ले लें, ये छोटे छोटे मसले हल करें। जब तक आप ये हल नहीं करेंगे, जिस तरह ये मेरे भाई अभी इकोनॉमिक्स की बात है, आप इकोनॉमिक्स कैसे समझेंगे भाई? फिर आप ट्रेड के बारे में जब आपसे एक लेटर टाइप नहीं हो रहा है उसमें आपकी करेक्शन आके सुप्रीम को। अच्छा, आखिरी दिन तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी वकील से नहीं पूछा, अटॉर्नी जनरल से नहीं पूछा कि भाई, बस उन्होंने कहा आप चुप रहे, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अब ज्यादा ना हो जाए। उन्होंने कहा जी आप जाएं और जाके इस तरह से लेटर ड्राफ्ट करके आ जाएं और उसको आप आगे प्रोसीड कर दें। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट को जल्दी बहुत है जी। बिल्कुल ठीक है। आप अंदाजा लगाएं, हमारी कौम, एक तो हमारे मुल्क के नेशन का भी मसला है। आप बाहर रोड पे जाएं, लोग इतने जल्दी में होते हैं, बाइक वाला एक उसके ऊपर चल रहा होता है, गाड़ी। अच्छा, अगर आप इन सबको रोक के पूछें कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं जी, पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। जल्दी बहुत है, गवर्नमेंट का भी यही मसला है, बहुत जल्दी में। वजीर आजम साहब ने पहले जो लेटर लिखा है उन्होंने कहा कि जी आप रीअपॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो प्रेसिडेंट साहब ने लेटर इशू किया उसने कहा मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ। मतलब दोनों की ड्राफ्टिंग में भी कॉन्फ्लिक्ट, भाई इतनी जल्दी क्यों है? ठीक है। अच्छा हुसैन सर, थेबो साहब, क्या ये इस वजह से भी हुआ? क्योंकि मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस चल निकली थी, इमरान खान साहब का एक प्रीवियस एक इंटरव्यू दिखाया था इक्तदार में आने से पहले, वो इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज किया करते थे कि जनाब एक्सटेंशन तो होनी नहीं चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब किसी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं हुई थी तो इस वक्त क्यों होनी चाहिए, चाहे कितने ही हालात क्यों ना। शायद इस वजह से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है आपके ख्याल में? जैसे पिछली कई स्टेटमेंट वो देते रहे कि जी कैबिनेट का साइज छोटा होना चाहिए, अगेन वही साइज हो गया, फिर और बहुत सारी बातों पे जो पास्ट में करते थे वो अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा है, तो क्या ये भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ज्यादा हाईलाइट हो गया? इसमें मैं गुजारिश करूं ना कि हमारे पास
तीन मीडिया टूल हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, एक है प्रिंट मीडिया, एक है सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा है, इसको जिसकी मर्जी आए, जो जिसकी पगड़ी उतारे, अभी से एक खबर बना के, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कंप्लीट चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसके साथ पूरी, अगर आप जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो रियासत तो रियासत एक एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद उसकी इतना बड़ा अमाउंट है जो हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उसमें यह है कि अच्छा सोशल मीडिया को तो आप एक तरफ रख लेना, वजीर आजम साहब ने तो कहा है कि भाई यू टर्न लीडर लेता है, तो बात ही खत्म हो गई, मतलब वजीर आजम साहब ने तो वो बात ही खत्म कर दी। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा फेल्यूर गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट को कुछ तो सीरियस होना चाहिए ना, जब वजीर आजम साहब खुद लेटर बुला के देखते हैं कि एक की ड्राफ्टिंग। अच्छा, फिर जो वकील साहब गए जो एक्स लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना जो मेंबरशिप था वो रिन्यू नहीं कराया था, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कहीं इसमें टाइम वेस्ट ना हो जाए, आप अपनी जो है ना वो तो रिन्यू करा लें, मेहरबानी करें। ये भी बताना पड़ा, तो मतलब इतनी जल्दी क्यों है गवर्नमेंट को इसके लिए? रियासत चल रही है, मुल्क चल रहा है, सारी चीजें। अच्छा, दूसरी तो बात ये ना कि वजीर आजम साहब का एक स्लोगन है आज भी, अभी भी, जबकि छोड़ भी रहे हैं सबको बार, फिर भी कह रहे हैं मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको घसीटूंगा। भाई घसीटो, अच्छा मैं ब्यूरोक्रेसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तो ब्यूरोक्रेट भी तो समझता है सारी बातें कि भाई हम ही काम करें, हम सारे चोर नहीं है, जो सिस्टम जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है उसके तहत ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले मुझे जो इस वक्त तक समझ में आया है वो ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम को, जब तक आप देखिए मैं आपको बताऊं ना सर, जितना सूबे में चीफ मिनिस्टर पावर होता है ना, उससे ज्यादा चीफ सेक्रेटरी पावरफुल होता है, क्योंकि वहीं से सारी चीजें, जब तक आप ब्यूरोक्रेसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, ये आपकी इफ एंड बट चलती रहेगी, तो ये आपका सोशल मीडिया पे भी चलता रहेगा। उसको तो वजीर आजम साहब ने कैटेगरी कर दिया कि भाई यू टर्न लीडर का काम ले सकता है, चले, ये तो अंडरस्टूड है कि अब कोई बड़ा लीडर होगा वो यू टर्न ले सकता है, ये बता दिया गया है जी, अब तो ये बात हमें समझ में आ गई। अतीक साहब आपकी तरफ आएंगे, जरा बताइएगा इकोनॉमिक इश्यूज की, जैसा भी हुसैन थेबू ने बिल्कुल ठीक कहा कि पॉलिटिकल जो आपका सिस्टम है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इस तरह की अगर गलतियां करेंगे, सीरियस ब्लंडर्स अगर होंगे, तो फिर ये जो इकोनॉमिक इश्यूज जो कि असल इश्यूज हैं, रियल इश्यूज हैं, इनको एड्रेस कैसे करेंगे? आई मीन अगर आपकी रुपी डॉलर की पैरिटी अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर होगी, 150 रुपीस तक अगर डॉलर होगा एक डॉलर, इसके अलावा अगर आप इंपोर्ट्स को जिस तरह कोशिश कर रहे हैं कम करने की, और अपनी आप जो है एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं कर रहा, प्रोडक्शन की तरफ नहीं जा रहे, SMEs की तो खैर हमें भी बात ही नहीं करते, और दीगर शोबों के अंदर भी कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही, तो फिर ये मसाइल हल कैसे होंगे? और एक आम आदमी का जो मसला है कि उसको टमाटर जैसी कमोडिटी मार्केट में दस्तियाब नहीं है, कैसे ओवरकम करेंगे इनको, कैसे हल किया जाएगा? देखिए आप और मैं सब जानते हैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह कि हमने दुनिया की हर बात की अपने पिछले 70 साल में जी, अगर हमने बात नहीं की तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात नहीं की जी, अगर एक काम एक हुकूमत अच्छा करके जाती है तो दूसरी हुकूमत को उसको आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ठीक, ठीक है, बजाय इसके कि उसको सबोटाज किया जाए। अच्छा, यही होता रहा माजी में, हमने देखा दिस इज अ वेरी नेग्लेक्टिंग एंड डिस्करेजिंग साइन। देखिए डेवलपिंग इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता, पहले हम पाकिस्तान को कंपेयर किया करते थे कि हम इसको एशियन टाइगर बनाएंगे जी। और हम ये कहते थे कि हम थाईलैंड और चाइना और पता नहीं मलेशिया और पता नहीं किस किस से साथ। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझ जैसा एक आम आदमी पाकिस्तान को जो है ना वो देखने लगा कि वो रवांडा इथोपिया और जैसे मुल्कों के साथ भी नहीं कंपेयर कर सकता। देखिए बात ये सारी बात सीरियसनेस की, आप टीवी पे बैठकर दुनिया जान की बकड़ा में हाँकते रहते हैं सारा वक्त, हमारे एंकर को एक इसके अलावा कोई काम नहीं है, लेकिन किसी ने इकोनॉमिक्स पे बात करी, किसी ने इकोनॉमिक्स के बारे में सोचा कि मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है, हम कौन कौन सी पता नहीं बड़ी बड़ी बुलंद बुलंद बातें कर रहे होते हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं अभी आपको बात कर रहा था इथोपिया की, आप देखिए इस वक्त कंस्ट्रक्शन का बूम लगा हुआ है, एक दफा हम उसको एग्जाम्पल देते थे कि इथोपिया जो है वो वहाँ ड्राउट होता है, वहाँ पे फेमिनिन होता है, वहाँ पे खाने को नहीं मिलता, वहाँ पानी नहीं है, वो भूखे लोग हैं, आज आप देखिए। एंड देन अगेन द एग्जाम्पल ऑफ बांग्लादेश, मैं कभी नहीं देना चाहता इस एग्जाम्पल को लेकिन मुझे देना पड़ रहा है कि यू जस्ट लुक एट दिस दैट देयर इकोनॉमी, आप 26 बिलियन डॉलर के ट्रेड पे खड़े हैं, वो पता नहीं 42 बिलियन डॉलर पे खड़े हैं, सुन क्या क्या कंपैरिजन ही नहीं है, आप रीजन में अपने आप को किसी चीज में कंपेयर नहीं करें। दूसरी तरफ हमने क्या करा है कि हमने इंपोर्ट्स का गला घोटना शुरू कर दिया, नहीं भाई इंपोर्ट्स में हमारे पास रॉ मटेरियल भी आते हैं और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं उसमें इंपोर्ट का एक अहम किरदार होता है। ठीक है, अगर हमने इंपोर्ट्स को
कम करने की कोशिश की, हमने अपने डेवलप को कम करने की कोशिश की, तो वहाँ हमने दो ब्लंडर और भी मार दिए। एक ब्लंडर ये जो मैंने आपसे भी अर्ज किया और उसको रिपीट कर देता हूँ कि पूरे के पूरे दौर में 100% हाइक इन द इंटरेस्ट रेट कर दी, इसके अलावा हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेशन लगा दिया आपने, इसके अलावा करेंसी को डिवैल्यू कर दिया बहुत ज्यादा, और 36% डिवैल्यू कर दिया इन पिछले 12 महीने में। आप देखो करेंसी 36% पे डिवैल्यू हो गई, आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, ऑलमोस्ट 100% आपने बढ़ा लिए, उसके अलावा आपके जो टैक्सेशन नेट्स हैं, अब हम एक रोना रोते हैं कि हमारे टैक्स नेट पे कोई आता नहीं जी। उसकी वजह यही है कि जैसे सबक याद किया आपने, उसकी छुट्टी बंद करी, वो उसका असर देख रहे हैं कि जो टैक्स देता है वो कितने नोटिस बर्दाश्त करता है, उसको हर तरह के नोटिस आते हैं, उसको टैक्स ऑडिट के नोटिस तो बेपना आते हैं। तो मैंने तो एक दफा ये भी मजाक में कहा एक अपने ऑफिसर से इसके टैक्स वालों के, यार एक काम करते हैं, धंधा बंद कर देते हैं, तुम्हारे टैक्स के नोटिस को ले लेते हैं, तुम्हारी ऑडिट को, मैं अपना बस्ता उठाता हूँ, हर वक्त FBR के चक्कर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी टैक्स ऑडिट कर लो, मेरी टैक्स ऑडिट। नहीं भाई, जो टैक्स देता है वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन है। एक जमाने में जब हम नौजवान थे तो एक जमाने में हमारे मुल्क में टैक्स पेयर्स के कार्ड मिलते थे जी। हमने देखा हमारे बड़े एयरपोर्ट में, स्टेशन पे, ग्रोसरी शॉप में, फार्मास्यूटिकल्स में जाके दवाइयां लेने में अपनी प्रेफरेंस लेते थे कि वी आर टैक्स पेयर, एक इज्जत थी। तो टैक्स पेयर को आपको इज्जत देनी पड़ेगी जब टैक्स पेयर को इज्जत दे। वैसे अगर आप यासिर देखें तो ओवरऑल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर यह है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हर कोई दे रहा है, हर कोई दे रहा, कॉबलर भी दे रहा है, हेयर ड्रेसर भी दे रहा है, हर बंदा, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम आपको आ रही है डायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्सेस में लोगों को टैक्स नेट में आना चाहिए, इसको फॉर्मुलेट करें, इसको कोई क्वालिटेटिव बनाए, रिस्पेक्टफुल बनाए, तो ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। करंट जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है, इस हवाले से बात करें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन वॉचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए अतीकुर रहमान साहब और हुसैन थेबो साहब, जिनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। और एक और बड़ा अहम इशूज़ जिस तरह के अभी मामला जारी हैं, क्या वाकई हकीकी मायनों में इकोनॉमिक सिचुएशन जो वो बेहतर हो रही है या हो सकती है? हुसैन थेबो साहब, इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह की मिस्टेक्स हो रही हैं, पता नहीं मुझे आई शुड यूज़ दिस वर्ड मिस्टेक करनी भी चाहिए नहीं, लेकिन जिस तरह के मामलात हो रहे हैं, सिचुएशन और क्रिटिकल हो रही है, और लोग एक सवाल बार बार कर रहे हैं कि जब आपके इतने आम पोजीशन पे बैठे हुए लोग जो आपके फाइनेंस के अफेयर्स देख रहे हैं, हफीज़ शेख साहब ये फरमा रहे हैं जी मार्केट में 17 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आपके इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं अगर उनको नहीं पता कि इस वक्त एक आम आदमी का सबसे बड़ा मसला क्या है इकोनॉमी के हवाले से, तो कैसे उम्मीद रखी जा सकती है? सर, मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि वही बात दोबारा, इतनी जल्दी में है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे जो सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी गवर्नमेंट जो आई है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी एक इंसान है उसके अंदर 10 बीमारियां थी, उसके दिल भी खराब थे, उसके गुर्दे, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सिस्टम को बिल्कुल ठीक करना है। अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सारे पुर्जे निकाल के बाहर रख दिए, ठीक है ना, दिल भी निकाल के रख दिया, गुर्दे भी। भाई ऐसे कैसे चलेगा? अब बिल जैसे मेरे भाई ने भी बताया ना कि उन्होंने जो है वो इम्पोर्ट में थोड़ा सा काम, भाई इम्पोर्ट इसलिए है क्योंकि 53% आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया। आप जब इन्वेस्टर ही नहीं आएगा आपके पास, आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही है, तो आप इम्पोर्ट क्या करेंगे? इम्पोर्ट हो ही नहीं रही इसकी वजह से, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि जी हमने अभी 4000 अरब से हमने जाना है 5500 अरब तक। अच्छा, फिर उस टैक्स नेट में लाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले तो नोटिसेस भेजना शुरू कर दिए। शब्बर, नो डाउट अबाउट इट, शब्बर जैदी साहब से ज्यादा कोई नहीं जान सकता कि ये टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाए। यही शब्बर जैदी साहब हैं जो पहले सेविंग कराते थे, सब लोगों को बताते भाई ये सेव कैसे करी जाती है, उसको पेट का पता है, अंदर के सब बिजनेसमैनों को जानते हैं, लेकिन उसके लिए भी हर एक का तरीकेकार है ना। अच्छा, पहले तो आप ये इमेज बिल्डिंग हमारे मुल्क में हो गई है कि जो भी आदमी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है या बड़े घर में रह रहा है वो शायद चोर चोर है।
سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز ہٹانی پڑے گی, آپ ایک لسٹ بنا لیں. اب ہم کس کو بولیں یہ چیز؟ اب ہماری تو کوئی سنی نہیں رہا نا. وہاں پہ بیوروکریٹیکل سسٹم ہوتا ہے, وہ یہ چیز کرتے ہیں. آپ ایک لسٹ بنا لیں جس میں ٹاپ 10, ٹاپ 100, ٹاپ 500 بزنس مینس کو لے لیں جو زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اگر ایکسپورٹ نہیں بھی کر رہے ہیں تو لوکل مینوفیکچرنگ, جیسے بہت بڑے بڑے برانڈ ہیں جو پاکستان میں سیل کر رہے ہیں, ان کی ایک لسٹ بنائیں. اس سے اس کو آپ ایک انکریج کرنے کے لیے اس کو آپ سال میں 2 گاڑیاں V8 جو ہے وہ آپ فری کر دیں کسٹم. اس کو اٹریکشن تو ہو, اس کو کوئی نمبر, دنیا میں ہوتا ہے ایسے, اس کو کوئی نمبر پلیٹ ایشو کر دیں, اس کو کوئی پاسپورٹ میں, اس کے کوئی ایئرپورٹ الگ کر دیں کہ اس کو پتا چلے. دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے کہا نا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50,000. بھائی وزیر اعظم صاحب نوکری کہاں سے دے گا؟ بزنس مین دے گا نا. نوکری گورنمنٹ تو نہیں دیتا, گورنمنٹ کی نوکری تو ہوتی ہے سروس. وہ تو آپ کو جاب نہیں, جاب کریشن تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بزنس میں اپرچونیٹیز لائیں گے, آپ انویسٹمنٹ کریں گے. جب تک آپ ٹرسٹ بلڈنگ نہیں کریں گے تب تک آپ, اسی کا مثال لے لیں کہ آپ کے بزنس مین کو پرابلم ہوا وہ کس سے جا کے ملے؟ آرمی چیف سے. ٹھیک ہے. اچھا حسین بھائی, ایک آپ سے قطع کلامی کی معذرت ہے, ابھی جو نئے وزیر قانون صاحب ہیں وہ حلف اٹھا رہے ہیں, ذرا وہ دکھائیے گا ذرا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دینے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین. جی بیرسٹر فاروق نسیم صاحب وفاقی وزیر کے عہدے کا انہوں نے حلف اٹھا لیا اور یہ تقریب آپ دیکھ رہے تھے. جی حسین صاحب, 2 دن پہلے استعفیٰ, اس کے بعد دوبارہ حلف اٹھا لیا, جلدی کی آپ کچھ بات کر رہے تھے, جلدی جلدی ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیا پاکستان میں اور کوئی وکیل نہیں تھا. نہیں تھا بالکل, مطلب یہ تو جلد بازی میں پہلے ہمیں سنا گیا, میں بھی آئی ایم رانگ کے وزیر رانگ کے وزیر اعظم صاحب نے ان کو جھاڑ پلا دی کہ آپ ہی کی غلطی تھی اور آپ تجھ گھر جاؤ. اس کے بعد انہوں نے ریزائن دے دی, پھر وہ وکیل کے لیے پیش ہوئے. کیا مطلب وکیل کے لیے کوئی اور آدمی نہیں تھا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گورنمنٹ کے کہ اتنی جلدی کیوں ہے, اور پھر 2 دن کے بعد پھر اس کو, مطلب اس کو 2 دن کیوں ہٹایا تھا کہ اس کو وکیل کے لیے پیش کیا جائے نا, اور تو کوئی کام نہیں تھا پاکستان میں. مطلب اچھا وزیر اعظم صاحب پہلے تو یہ فرماتے تھے کہ بھائی 500 ایکسپرٹ لوگوں کی اکنامکس کی میرے پاس ٹیم, جب کنٹینر پہ ہوتے تھے کہتے تھے وہ گنا لوں میں, ادھر کھڑے ہوئے ہیں 500 ہی, وہ کہاں ہیں؟
वो जो इकोनॉमिक्स आ रहे थे, वो जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बूस्ट कर रहे थे, आप तो बंदे तो पुराने ही ले रहे हैं। आप क्या, आपकी टीम में पहले जो थे वो बाकर रजा जैदी साहब थे या आपके जो शेख साहब थे, हफीज साहब शामिल नहीं थे, ये बात होता है, ये तो नहीं थे ना। आपकी जो टीम में लोग थे वो अभी कहाँ है? तो देखें, अभी सीरियसली सोचना पड़ेगा। वजीर आजम साहब आज भी खड़े जब हो जाते हैं तो माशाल्लाह ऐसे लगते हैं जैसे कंटेनर पे खड़े हुए हैं। वो देखें, आप घर के बड़े हैं ना जी। अब वजीर आजम साहब, मेरा भी वजीर आजम है, आपका भी वजीर आजम है, कैमरामैन का वजीर आजम है, बिलावल भुट्टो का भी वजीर आजम है, नवाज शरीफ का भी वजीर आजम है, मरियम का भी वजीर आजम है, घर का बड़ा है। तो वजीर आजम साहब को अभी घर के बड़े होने के नाते ऐसी जुबान या ऐसी बातें बराए मेहरबानी अभी तो नहीं करनी चाहिए। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पे फोकस रखें कि इस मुल्क की डेवलपमेंट को, इस मुल्क की तरक्की में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर आप आते हैं, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेजिस्लेशन, कानून साजी का। सर, आप कानून साजी कैसे करेंगे? जब तक आपके पास टू थर्ड मेजॉरिटी नहीं होगी, तब तक आप कोई कानून नहीं बना सकते। जब तक आप कानून नहीं बना सकते हैं, तब तक आप डब्बे में पत्थर डाल के बजाते रहे, और तो कुछ नहीं है। कानून जब तक, सब चीजों को ठीक करने के लिए पहले आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। लेजिस्लेशन को आप करने के लिए आपको अपोजिशन को कॉन्फिडेंस मिले, या तो आपके पास क्लियर मेजॉरिटी हो, वो तो आपके पास है ही नहीं। आपको अपनी हुकूमत को संभालने तक भी नहीं है, वो भी 10-12 आपको बंदे चाहिए। इत्तेहादी अगर निकल जाए तो आप अपनी हुकूमत को नहीं बचा सकते। तो लिहाजा वजीर आजम साहब को चाहिए कि अब बहुत हो गया, 14 महीने तक वही बातें कि जी हमने इनको छोड़ना नहीं है, हमने इनको घसीटना है। कब तक भाई घसीटना है? ठीक है, तो खुदारा अब सीरियसली बैठें और अपनी जो टीम है उसको मोबिलाइज करें कि वो इकोनॉमिक्स पाकिस्तान की कंडीशंस को देखें। और ये हमारे यहाँ सर इतने रिसोर्सेज हैं जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास प्रॉपर टीम। बिल्कुल ठीक है। अतीक भाई, आपकी तरफ आएंगे, जरा ये फरमाइएगा कि जो टीम है जिसका भी हुसैन थे वो साहब ने तस्करा किया, आप इतने मुतमईन नजर आते हैं कि हफीज शेख साहब इससे पहले भी सौदे के ऊपर रहे हैं, काम कर चुके हैं, मामलात को समझते भी हैं, देन गवर्नर स्टेट बैंक साहब जो हैं वो एक काबिल आदमी समझे जाते हैं, जनाब बाहर से आए हैं और बड़ा रोल था उनका एक दूसरे मुल्क की इकॉनमी के अंदर, अब वहाँ कैसा डिलीवर किया, कैसा परफॉर्म किया, वो तो एक अलग बहस है, लेकिन अब वो पाकिस्तान के एक बड़े आम अहदे के ऊपर फाइज हैं। आप क्या समझते हैं, और ये ख़ासतौर पर जिस तरह की स्ट्रैटेजी आते ही कहा कि जी इम्पोर्ट्स को जो है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, प्रोडक्शन की तरफ जा नहीं रहे हैं, तो होगा क्या, मामला किस तरह आगे बढ़ेगा, ज़रा ये समझा दीजिए हमें। देखिए यासर, एक चीज़ जो मुझे बड़ी इरीटेट करती है और मुझे समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं जी। जहाँ मैंने आपसे कहा कि प्रोग्रामों में बैठ के दुनिया जहान के हाँ करे होते हैं हम, लेकिन किसी ने इकोनॉमिक्स की तरफ बात करने का और सीरियसली मोटिवेट करने की ऑपोजिशन को या जो हुकूमत में लोग हैं उनको कोशिश नहीं की कि भाई देखो बोलीविया में क्या हो रहा है, वेनेजुएला में क्या हो रहा है, और कौन कौन से मुल्कों में कितने प्रॉब्लम आया, ये सब लेबनान में, ये सब सीरियसली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। अगर हम लोग सारे बैठ के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे सोचें तो बात बहुत अच्छे से हो जाएगी। सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा अपना कंट्रीब्यूशन क्या है हमें ये देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट को विरासत में कितने मसाइल आए सामने, कभी हमने सोचा? हमने देखा कि उनको जहेज में क्या कुछ मिला, बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ एक्सटर्नल डेट, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज ऑफ द डोमेस्टिक डेट, कर्जों पे ही भरी इनको तोहफे में मिले। आप मुझे एक बात बताएं कि जब गवर्नमेंट अपनी स्ट्रगल करती है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि उसका हम साथ दें, हम उसको उसकी टांगे क्यों खींचने में लगे हुए? देखिए, गवर्नमेंट ने बेहतरीन काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इंपोर्ट को कर्प करके इंपोर्ट को खत्म किया। ठीक है, मैं मानता हूं कि इंपोर्ट का गला घोटने से स्मगलिंग बढ़ गई, लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई है सामने, वो ये कि लोकल इंडस्ट्री एंड मेड इन पाकिस्तान को फरोग मिलेगा। जब आपको वो चीज नहीं मिलेगी बाहर से आती, पहले क्या होता था, अच्छा ये चीज नहीं है, चलो जी इसका एक कंटेनर मंगा लो, मैं बिजनेसमैन हूं मुझे पता है, अच्छा चीज ये कम है इसके 3 कंटेनर मंगा लो। अब जब वो चीज यहां नहीं मिलेगी और स्मगल से भी नहीं आएगी, स्मगल को भी आप चेक एंड बैलेंस में रखेंगे, तो उससे ये होगा कि आपके मेड इन पाकिस्तान में फरोग। गवर्नमेंट को अब करना ये चाहिए कि जब मेड इन पाकिस्तान को या लोकल इंडस्ट्री को फरोग करें तो लोकल इन्वेस्टर को इनकरेज करें। नहीं, अतीक और ये बात जो उन्होंने कही, देखिए मैं आपको एक तरफ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लोकल इन्वेस्टर को इनकरेज करें, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें, और जो भी फैसले कर रहे हैं वो उनसे पूछ के करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट को आया,
क्या हमने सोचा, कभी आपने सोचा कि जो वो रेवेन्यूज में शॉर्टफॉल जाता है उसने एक बहुत बड़ा टारगेट दिया 700 बिलियन रुपए का, कि ये हमारा टारगेट है आइंदा रेवेन्यू कलेक्ट करने का। ठीक है, उसमें शॉर्टफॉल पे शॉर्टफॉल हर क्वार्टर में हम देख रहे हैं, शॉर्टफॉल आ रही, हम रेवेन्यू में पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हैं जो पार्टिसिपेशन पूरा देना चाहिए। लेकिन लोग ये कहते हैं कि हम ही पे क्यों ये जुल्म आए, हम ही क्यों इतने पैसे हैं इतनी महंगाई में, अभी फिर हम रेवेन्यू में भी हम जाएं। देखिए बात सारी है कि जब गवर्नमेंट अपना अपना मशीनरी अपने कानून को अपनी जिंदगी को अपने आप को चला रही होती है तो उसको एक चीज जो सबसे बड़ी फेस करनी पड़ती है या मैं भूल लेनी चाहिए वो है इसका फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये फिस्कल डेफिसिट आपके घर पे भी आता है, मेरे घर पे भी आता है कि अगर खराजा ज्यादा है और आमदनी कम है, तनख्वाह कम है तो फिर इधर उधर से बोरो किया जाता है। तो गवर्नमेंट इस बात पे, ये गवर्नमेंट भी इस बात पे मजबूर है कि वो बोरोइंग की तरफ जाए, उस बोरोइंग ने इसको आईएमएफ की तरफ ले गए। आईएमएफ इज अ पॉइजन, आईएमएफ में जाना एक सुसाइडल लेटर है, लेकिन गवर्नमेंट को इसको करना पड़ा मजबूरी में। वजह क्या है, मैं आपको बात करके खत्म करता हूं कि जब आपका फिस्कल डेफिसिट होता है तो उसमें आपके करंट एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपको करने होते हैं। उस करंट एक्सपेंडिचर में हमने तोहफा क्या दिया इस गवर्नमेंट को, वो डेट सर्विसिंग, कर्जे उतारो, और वो कर्जे उन लोगों के जिन्होंने पहले कर्जे लेके इस अमीशत का क्या हाल किया। बिल्कुल ठीक है, तो ये गवर्नमेंट तो मेन करंट कर्जे उतारने पे लगी हुई है, जो जब उसके करंट एक्सपेंडिचर्स इतने महंगे हो जाएंगे, इतने प्रॉब्लम में आ जाएंगे, जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें वो कर्जे उतार रहा है और इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा फिर, वो हुकूमत के मामला कैसे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इन चीजों को भी हमें देखना चाहिए। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हमें बात, इमरान खान इज अ वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ही इज डूइंग वेरी गुड, लेकिन उनकी हमें मदद करने की जरूरत है। ठीक है, चल अतीक भाई, ये हुसैन थेबू साहब के सामने ही सवाल रख देता हूं। हुसैन थेबू साहब, अतीक साहब ने कहा जी कर्जे लेते गए और इकोनॉमी पे बोझ डालते रह गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पिछला मुशर्रफ साहब के दौर का जब से आगाज हुआ उसके बाद से लेके जो हालात रहे, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में चले गए, आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं सकती थी, बम धमाके आपके पास रोजाना दर्जनों हो रहे थे, ऐसी सिचुएशन में तो गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं था कि बेल आउट के लिए वो जाता है, मैं जो कोलिशन फंड आ रहा था वो भी आपको नहीं आया है ना, वो जो सीएसएफ जिसको कहते थे ना, सीपेक को 2013 में अमेरिका कहां था जब पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में था, ये चाइना था जिसने आकर वो पॉलिटिकल एनर्जी क्राइसिस से निकाला, जो सीएसएफ था वो भी हमारे पास नहीं आया जिसको हम कोलिशन सपोर्ट फंड वो करते। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर चारा क्या था, आज सूरत हाल ये कि 1.7 ट्रिलियन का आपका सिर्फ सर्कुलर डेट आपके पास खड़ा हुआ है। कहते ना कि इख्तलाफ बाय इस्लाह, तो मैं भाई से 100% इख्तलाफ करते हुए, इन्होंने 3 मरतबा एक जुमला कहा कि जी वो हाक रहे हैं, और भाई देखें हर टीवी चैनल को आप देखें उसमें एक प्रोग्राम इकोनॉमिक्स पे होता है, ठीक है, हम रोज मैं अपने प्रोग्राम में रोज एक बिजनेसमैन को बुलाता हूँ। अब आप बात सुने, आप कह रहे हैं कि आप उनको एडवाइस सुने, सुन कौन रहा है, कौन कॉम्पिटेंट आदमी गवर्नमेंट में बैठा, इमरान खान बहुत अच्छा आदमी, क्या करूं मैं, खा लूं उसको, वो बहुत खूबसूरत आदमी है, 1.5 घंटा वाक करता है, मैं उसको क्या करूं, उसको समझ ही नहीं आती अभी तक कि इस मुल्क को चलाना कैसे, किस तरह से चलाना। आप बात कर रहे हैं कि कोई उसको बता, भाई मैं जितने भी लीडिंग बिजनेसमैन से मैंने इंटरव्यू किया उन्होंने कहा कि हमने उनको पूरी प्रेजेंटेशन दी, उधर कोई एक आदमी नहीं है जो हमारी बात समझे, ना तो उसकी कोई कंक्लूजन बनती है, ना तो कोई उसके करेक्टिव एक्शन प्लान बनते हैं कि कल उसके ऊपर कोई अमल किया जाए। भाई किस तरह से हम समझाएं, मतलब क्या करें, रोज ही तो हम इस पे एक प्रोग्राम करते हैं कि भाई ये मुल्क के इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं, आप मुझे ये बात बताएं, आप कह रहे हैं कि ये कर्जा वो कर्जा, क्या आपको पता नहीं था आप बच्चे हैं, आप कल आए हैं, आपको ये लोन का किसी को पता नहीं था, आपने उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए, आप मुझे बताएं, आपके 24,000 अरब आपका कर्जा था ना जब आपने लिया, 33,000 अरब कैसे हो गया, आपने कैसे डॉलर बढ़ा दिया। भाई ये सारी चीजें हर किसी को पता है, कोई बच्चा नहीं है, ये बोल बोल के हर बंदा थक गया है, कोई सुनने के लिए है आपको, इकोनॉमिक आपको जो है वो आया आपको IMF बना रहा है। मुझे ये बताएं, आपने इजिप्ट से बंदा लाया बाकी रजा, इजिप्ट का इकोनॉमी का क्या बेड़ा गर्क किया उसने। बिल्कुल, आप एक्सपर्ट लाते हैं ना कि जिसने आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, आप मेरी जगह पे कोई अच्छा बंदा लाएंगे जो अच्छी एडवाइस, कोई एक्सपर्ट बंदा लाएंगे, शाहजेब को लेकर आ जाएंगे, बड़े आदमी को जो बड़ा प्रोग्राम कर, भाई आप बाकी रजा जैदी को आपने क्या किराए थे, आपसे किसी ने पूछा, आपने इसको अपॉइंट किया, आपने इसका अपॉइंटमेंट लेट नहीं, आपको IMF ने भेज दिया, आपको IMF ने टर्म्स एंड कंडीशंस दे दिया, आपने ये क्राइटेरिया को मीट करना है,
यही तो हमारे मुल्क का बेड़ा गरक है। फाइनेंस मिनिस्टर को इतना पता नहीं है कि टमाटर कैसे होते हैं, हमने उसको समझाना है कि टमाटर कैसे बिकते हैं। भाई हर बंदा उनको समझा रहा है, वहां पे सेंसिबल आदमी आए तो समझे ना। हमने अभी भी अपने प्रोग्राम में यही बात की कि वजीर आजम साहब को हम क्या खाएं। वजीर आजम साहब बहुत अच्छा आदमी है, बहुत स्मार्ट आदमी है, डेढ़ घंटा वॉक करता है, बहुत अच्छा। भाई वो समझता नहीं है चीजों को, एग्जीक्यूट नहीं हो रही है चीजें। जितने इकोनॉमिक्स इंडिकेटर जो जो कह रहे हैं आप उसके अगेंस्ट करते जा रहे हैं। आप बता दें चले, हम तो बेवकूफ लोग हैं ना। आप बताएं वजीर आजम साहब, आपने आज तक कौन सा ऐसा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से हम आपको अप्रिशिएट करना शुरू करें कि जी इसका कोई रिजल्ट आएगा। आपने हर चीज को बिठा दिया है, इस तरह से नहीं होता है। 50,000 वाले जो एनआईसी है उस पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला, फिर आपने उस पर यूटर्न ले लिया कि आप ना, यहां तो डटे रहे ना। आपने फैसला किया, खत्म, बस अब ये इधर होगा। भाई आपको करना है तो आपका, आप उसको क्यों एक्सटेंशन देते हैं? आप हर चीज पे जाके यूटर्न ले लेते हैं। देखिए हमारी जान माल इज्जत आप, हमारी सब इस मुल्क के लिए है ना। हमारे बस में जो कुछ होता है, हम रोज इस पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, रोज मेरा आधा घंटा इस प्रोग्राम पे होता है कि हम पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, तो मैं एक एग्जांपल दे दूं, तो एक परिंदा जो है वो अपनी चूंच में एक पानी का कतरा जो है वो लेके आ रहा, तो आदमी ने पूछा भाई आप कहां जा रहे हैं? उसने कहा जनाब मैं वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनको आग में डाला गया है तो लिहाजा मैं वो बुझाने जा रहा हूं। उसने कहा भाई आप कैसे बुझा सकते हैं एक चूंच? उसने बोला मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। तो पाकिस्तानी सब लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं रोज ही। अच्छा हमारे मुल्क में अवेयरनेस की लेवल इतनी है, यकीन माने यासिर भाई, आप बाहर चले जाएं, रोड पे चले जाएं, आदमी को आप माइक पकड़ा दें, वो आपको ऐसे ऐसे इकोनॉमिक्स इंडिकेटर बता देगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार इसको फाइनेंस मिनिस्टर लगा दो भाई खुदा के लिए। चले तो हमारी सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के लिए हैं और रोजाना इस पे प्रोग्राम लेके सुन को डिलीवर करें। हुसैन थेबो, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। अतीकुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। ये आज का प्रोग्राम था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मौशी मामला है इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। इन प्रोग्राम्स का मकसद भी यही है कि एक आम आदमी तक ये बात पहुंचाई जाए कि इन मौशी मामलात का हल क्या है, ये मसाइल एक्चुअली होते क्या हैं, इनको किस तरह हल किया जाता है, हल किस तरह करना है, ये बात अब तक समझ में शायद हमें नहीं आ सकी है। हम कोशिश कर रहे हैं इस बारे में बात करें, लेकिन जैसा भी हुसैन थे वो भी फरमा रहे थे कि हम सवाल करें किससे करें। अगर कोई शख्स जो इतने अहम माफ कीजिएगा ओहदे के ऊपर फाइज है, जो मुल्क ख़जाना के मामलों को देखता है, अगर वो ये कहे इस वक्त के टमाटर जो इस भाव मिल रहा है, यानी 17 रुपये किलो मिल रहा है, तो फिर लोग यकीनन वर्त हैरत में जो है मुब्तला हो जाएंगे कि जनाब जो शख्स ये नहीं जानता इतने आम अहदे के ऊपर बैठ के कि एक आम आदमी का मसला क्या है, और सबसे ज़्यादा जो कमोडिटी जो सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहा है वो अगर इस वक्त जो सबसे महंगी अगर उसको 17 रुपये किलो कह देगा, तो फिर वो दीगर मसाइल के ऊपर उसकी कितनी अवेयरनेस होगी, वो कितना समझता होगा। बहरहाल इसी बात के साथ प्रोग्राम का अख्तितम, मंडे को इंशाल्लाह आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत होंगे नए मौजूद के साथ, नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और गुड मॉर्निंग कराची की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।